हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं आईलिट 2017 का इंग्लिश सेक्शन, जिसमें हम वोकैबुलरी कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर वन, कैश्ड अप एस्पिरेशनल एंड मार्केटर्स ड्रीम, द होई पोलोई आर ऑन द मार्च. यानी ये कहा जा रहा है कि जो आम आदमी है या जो कॉमन मैन है, दे आर ऑन द मार्च नाउ. अब उनके पास पैसे आ गए हैं, उनके पास ड्रीम्स हैं, तो अब वो कुछ बड़ा करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होई पोलोई का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट. तो कॉमन मैन का ऑपोजिट क्या हो सकता है? वो लोग जो पार में है या वो लोग जो बहुत ज्यादा रिच हैं. ठीक है, तो ए मिडिल क्लास, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मिडिल क्लास ही कॉमन मैन होता है. बी है एरिस्टोक्रेसी, ये बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि एरिस्टोक्रेसी वो लोग होते हैं जो पार में होते हैं. ठीक है, रॉयल लोग या बहुत वेल्दी लोग, तो एरिस्टोक्रेसी इसका सही एंटोनिम होगा. इसके अलावा मासेस जो है, मासेस भी मतलब कॉमन मैन ही होगा. वर्किंग क्लास भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्किंग क्लास भी कॉमन मैन में ही आता है, तो एरिस्टोक्रेसी वुड बी द करेक्ट आंसर. देयर इज अ लॉट इन लाइफ दैट कैन लीव यू नॉन प्लस्ड. अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो आपको कई बार बहुत डिस्टर्ब करके चला जाता है, बहुत ज्यादा परेशान करके चला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे नॉन प्लस्ड का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट, यानी कि हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं. ठीक है, ए है डम्बफाउंड, यानी कि आप बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं. तो नॉन प्लस्ड का मतलब ही यही होता है कि आप शॉक्ड हो गए हैं या डिस्टर्ब्ड हो गए हैं या परेशान हो गए हैं. सो हमें इसका मतलब नहीं बताना है, ऑपोजिट बताना है. बी है डिसकंसर्टेड, तो ये भी गलत होगा. अगेन यहाँ पे भी हम जो है परेशान हो गए हैं किसी चीज से. सी है एस्टाउंडेड, अगेन नॉन प्लस्ड का मतलब ही हो गया ये भी. अनपर्टर्ब का मतलब होता है कि आप किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, आप अभी भी शांत हैं बिल्कुल. सो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑपोजिट होगा. थर्ड है स्टे अवे फ्रॉम द टूरिस्ट्री पाइनियर स्क्वायर हिस्टोरिक एंड मोस्ट ऑफ इट्स चीज बॉल क्लब्स एटलीस्ट ऑन नाइट्स एंड वीकेंड्स. यानी ये कहा जा रहा है कि इस जगह से दूर रहना, इस तरह के क्लब्स में मत जाना क्योंकि ये बहुत ही बेकार क्लब्स हैं. ठीक है, बेकार इन द सेंस चीज बॉल जो है, ये वर्ड इस्तेमाल होता है एक्चुअली में उन चीज़ों को बताने के लिए जिनकी स्टाइल खराब हो, जिनका टेस्ट खराब हो, जो लोग थोड़े से खराब हो. ठीक है, मतलब कुछ भी चीज जो जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है या वो इंसान अच्छा नहीं है, उसे हम चीज बॉल कहते हैं. सो यहाँ पे एक्सपेंसिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो एक्सपेंसिव कैसे होगी. नोटोरियस भी नहीं हो सकता क्योंकि नोटोरियस का मतलब ये है कि जो मतलब जैसे क्रिमिनल्स के लिए यूज होता है वर्ड नोटोरियस, कि इसने बहुत सारे क्राइम्स किए हैं इसलिए बहुत नोटोरियस क्रिमिनल है. सो ये भी गलत हो गया. इन्फीरियर इन क्वालिटी बिल्कुल सही होगा क्योंकि हम यही कह रहे हैं चीज बॉल क्लब्स वही हैं जो कि बहुत अच्छी केटरिंग नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छा आपको क्वालिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं. स्टाइलिश तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते. सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं. यहाँ पे कहा जा रहा है इट वॉज मार्वलस टू सी हाउ जिंजरली द लिटिल बीस्ट फुटेड इट इन सच प्लेसेस. यानी कि इन छोटे लोगों ने या छोटे बच्चों को कहा जा रहा है या जो भी यहाँ पे मतलब है कि ये देखने में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कितने अच्छी तरह से, कितनी केयरफुली, कितने आराम से उन चीजों को रखा. तो यहाँ पे जिंजरली का मतलब होता है कि आप बहुत ही धीरे से और ध्यान से कोई चीज कर रहे हैं. ठीक है, ए है रफली, रफली बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, ऑपोजिट नहीं बताना. एसिडियसली बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि जिंजरली का मतलब भी यही है और एसिडियसली का भी मतलब यही है कि आप कोई चीज को बहुत ध्यान से कर रहे हैं. ठीक है, रैशली भी नहीं होगा और केयरलेसली भी नहीं होगा क्योंकि ये सब जिंजरली के एंटोनिम्स होंगे. एसिडियसली इसका सिनोनिम होगा. शी इज ऑल्सो एन अप एंड कमिंग फिक्शन राइटर विद अ पेंशेंट फॉर द डार्क एंड सरियल. चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सरियल. अब यहाँ पे सरियल का मतलब ये है, आप समझ रहे होंगे सरियल का मतलब ये है कि वो रियल नहीं है, इमेजिनरी चीज है. ठीक है, तो इमेजिनरी चीजें जब भी हमें कोई बताता है तो वो हमें काफी अजीब लगती है, काफी वियर्ड लगती है सुनने में. अगर आपको कोई आके कहेगा कि मैंने कल भूत देखा था तो आपको अजीब लगेगी, राइट. सो कोई भी चीज जो थोड़ी अजीब हो, थोड़ी वियर्ड हो, जो नॉर्मली लोग जिसके बारे में बात नहीं करते या जिसको देखते नहीं है, सुनते नहीं है, वो हो जाती है हमारी सररियल चीज. बिजार जो है इसका सही आंसर होगा क्योंकि बिजार का मतलब ये होता है कि कुछ अजीब जो नॉर्मली नहीं होता है. हॉन्टिंग नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई सररियल चीज हॉन्टिंग ही हो. भूत के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस दुनिया में नहीं होती लेकिन हम उसे इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में किताबें लिखी जाती हैं.
एजी भी नहीं होगा और सेटनिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एजी का मतलब ये है कि थोड़ी सी सरकास्टिक या इस तरह की किताब, और सेटनिक का मतलब है कि बिल्कुल इसमें डेविल की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बिजार बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सररियल वो चीज है जो थोड़ी अजीब लगती है सुनने में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्लॉक के अंदर जो आइडियाज हैं उनको सेकंड वाले ब्लॉक के साथ मैच करना है, और इस तरह से मैच करना है कि फिर यहाँ पे हम ये जो ब्रैकेट वाले वर्ड्स हैं इनको भी इन्वॉल्व कर सके। फर्स्ट वाला करके देखते हैं। फर्स्ट है आई टुक माई रेनकोट एंड अम्ब्रेला, ठीक है। इसके बाद क्या आ सकता है, ए देखते हैं, बिकॉज डेविस इज इट्स कैप्टन, अम्ब्रेला का कैप्टन कोई नहीं हो सकता। डिस्पाइट अ प्रॉब्लम इन डिगिंग द फाउंडेशन, अम्ब्रेला के लिए हम डिगिंग क्यों करेंगे। As weather forecast was so bad, so obviously, अब अगर हम first की बात करें तो वहां पे C option आना चाहिए, I took my raincoat and umbrella as the weather forecast was so bad। अब यहाँ पे हमें इसे match करना है ऊपर के जो चार options दे रखे हैं इनके अंदर से। So even though वहां इस्तेमाल होता है जहां पे हम ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा किया जबकि ऐसा नहीं था, यानी कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि I ate her food Even though I was not hungry, मैं भूखी नहीं थी तब भी मैंने उसका खाना खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे obviously यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ सकता क्योंकि weather forecast bad था, तो हम umbrella ले गए, ठीक है। With I took my raincoat and umbrella with forecast was so bad, ये भी गलत हो जाएगा। Seeing that, ये बात बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम ये कह रहे हैं I took my raincoat and umbrella seeing that the weather forecast was bad। तो एक तरह से हमें यहाँ पे जो as word लिखा हुआ है ना, इसी की जगह कुछ और इस्तेमाल अगर करना हो तो वो क्या होगा ये हमें बताना है। सो फर्स्ट वाले के लिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा और ये थर्ड वाला करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आई स्टिल वोंट बी एबल टू गेट टू अ मीटिंग एट 8:30। क्यों वो मीटिंग में नहीं जा पाएगा। ए है बिकॉज डेविस इज इट्स कैप्टन, मीटिंग का कैप्टन कैसे हो सकता है। डिस्पाइट अ प्रॉब्लम इन डिगिंग द फाउंडेशंस, अगेन यहाँ पर भी डिगिंग की कोई बात नहीं है। वेदर और नॉट आई कैच एन अर्लियर ट्रेन, मतलब कि चाहे मैं कितनी भी अर्ली ट्रेन ले लूं फिर भी मैं 8:30 तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है उसका डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो रहा है उससे। इसके अलावा ऊपर वाले ऑप्शन में देखते हैं आई स्टिल वॉन्ट बी एबल टू गेट टू अ मीटिंग एट 8:30 इवन दो आई कैच एन अर्लियर ट्रेन। तो इवन दो अगेन ये बात हो जाएगी कि हमने ऐसा कर लिया बल्कि हमें ऐसा करना नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। विथ 8:30 विथ आई कैच एन अर्लियर ट्रेन, ये भी गलत हो जाएगा। आई स्टिल वॉन्ट बी एबल टू गेट टू अ मीटिंग एट 8:30 इवन इफ आई कैच एन अर्लियर ट्रेन, भले ही मैं अर्लियर ट्रेन कैच कर लूँ फिर भी मैं 8:30 तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सो उसके लिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके अलावा देखते हैं थर्ड है द टीम इज लाइकली टू डू वेल इन दिस सीजन, क्यों वो इस सीजन में अच्छा काम करेगी। बिकॉज डेविस इज इट्स कैप्टन, अब यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा थर्ड के लिए। इसके अलावा ऊपर देख सकते हैं हम द टीम इज लाइकली टू डू वेल इन दिस सीजन विथ डेविस एज द कैप्टन, और इवन दो डेविस इज इट्स कैप्टन। इवन दो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं चाहते थे कि ये कैप्टन ना हो, ठीक है। इवन दो तब आता है जब हम ऐसा नहीं चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ हो जाता है जो हमारे काम के ऑपोजिट हो, सो यहाँ पे विथ आएगा। फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है द बिल्डिंग वर्क इज स्टिल ऑन स्केड्यूल डिस्पाइट अ प्रॉब्लम इन डिगिंग द फाउंडेशन, इसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आई थी डिगिंग में उसके बावजूद भी बिल्डिंग वर्क अभी भी स्केड्यूल पे चल रहा है, अभी भी टाइम के साथ चल रहा है, हम बहुत पीछे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम इसे टाइम पे चाहते थे बट ये टाइम पे नहीं हुआ था और डिगिंग की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी टाइम पे ये चल रहा है, तो यहाँ पे हम इवन दो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। द बिल्डिंग वर्क इज स्टिल ऑन स्केड्यूल इवन दो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन डिगिंग द फाउंडेशंस। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शंस में अगर हम ध्यान दें तो ए ऑप्शन जो है उसमें ये लिखा है कि फर्स्ट का सी है और उसी के साथ में थर्ड है। सो फर्स्ट सी एंड थर्ड ये तीनों हमारे मैच कर रहे हैं, बाकी के भी आप देखेंगे ये सारे ही मैच कर रहे हैं जैसे हमने मैच किए थे उसी हिसाब से।
सो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें मिक्स एंड मैच करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वी हैव डिसाइड नॉट टू गो ऑन अ हॉलीडे दिस ईयर, तो हम हॉलीडे पे क्यों नहीं जा रहे, ए है बिकॉज देयर हैड रिसेंटली बीन अ स्ट्राइक बाय पोस्टल वर्कर्स, उन्होंने स्ट्राइक किया तो हम अपना हॉलीडे कैंसिल क्यों करेंगे, बी हैड टू गिव डेव समय प्राइवेट टू स्टडी बिफोर हिज एग्जाम्स, ऑब्वियसली हॉलीडे पे बच्चा पढ़ने वाला तो है नहीं, सी है बिकॉज वी वॉन्ट टू सेव मनी फॉर अ न्यू कार, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी, हम पैसे बचाना चाह रहे हैं इसलिए हम हॉलीडे पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट चार जो ऑप्शन है ऊपर वाले उनमें से भी कुछ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ड्यू टू हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू टू वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि द क्रिकेट मैच वॉज कैंसल ड्यू टू हैवी रेन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं कहूँ इन ऑर्डर टू, ये बात जो है ये हमारी बिल्कुल सही होगी क्योंकि हम ये कह रहे हैं वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो ऑन अ हॉलीडे दिस ईयर इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर अ न्यू कार, यानी कि हम कोई चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी तरह का गोल अचीव करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आई स्टडी फॉर 6 hours अ डे टू गेट गुड मार्क्स इन माई क्लैट एग्जाम, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स इन माई क्लैट एग्जाम, तो वो हम एक रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं इसलिए हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। The council have planted trees at the side of the road. तो उसने क्यों प्लांट किए ट्रीज, ए है बिकॉज देर हैड रिसेंटली बीन अ स्ट्राइक बाय पोस्टल वर्कर्स, पोस्टल वर्कर्स पेड़ उगाने के लिए तो स्ट्राइक करेंगे नहीं ऑब्वियसली, बी हैड टू गिव डेव समय प्राइवेट टू स्टडी बिफोर हिज एग्जाम्स, ऑब्वियसली काउंसिल पूरी मिलकर पेड़ उगाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक डेव नाम का बच्चा है जिसको पढ़ाई करनी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस ट्रैफिक नॉइस, ये बात जो है बिल्कुल सही है, वो ट्रैफिक का जो नॉइस होता है वो पेड़ों की मदद से कम हो सकता है, नॉइस कैंसिलेशन करते हैं पेड़, ठीक है। तो इसके अलावा ऊपर के जो ऑप्शंस हैं उनमें देखते हैं, ड्यू टू अगेन नहीं हो सकता क्योंकि ये हम खुद कर रहे हैं या हमारे हाथों में है पेड़ उगाए या नहीं उगाए, इन ऑर्डर दैट ये जो है ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही होगा, सो एज टू रिड्यूस ट्रैफिक नॉइज, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं ताकि नॉइस रिड्यूस हो जाए इसलिए हमने प्लांट करे हैं ट्रीज, सो यहाँ पे फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें थर्ड है, द पार्सल हैज बीन डिलेड, पार्सल डिले क्यों हुआ है, बिकॉज देयर हैड रिसेंटली बीन अ स्ट्राइक बाय पोस्टल वर्कर्स, यहाँ पे बिल्कुल सही यही बात होगी। और ये जो स्ट्राइक है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया है, सो यहाँ पे ड्यू टू आएगा, ड्यू टू अ स्ट्राइक बाय पोस्टल वर्कर्स, ठीक है। लास्ट जो हमारा बचता है उसके अंदर अगर हम देखें तो वी हैव पुट अ टेबल एंड चेयर इन द स्पेयर बेडरूम, तो हमने ऐसा क्यों किया है, टू गिव डेव समय प्राइवेट टू स्टडी बिफोर हिज एग्जाम्स, या फिर इन ऑर्डर दैट ही गेट्स समवेयर प्राइवेट टू स्टडी बिफोर हिज एग्जाम्स। तो इसके बाद जब हम चेक करेंगे चारों ऑप्शन में से तो हमें ये पता चलेगा कि जो ऑप्शन डी है उसके अंदर बिल्कुल इसी तरह से मैच किया गया है सब कुछ, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 and 9 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमें मिक्स एंड मैच नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हमें इन चारों वर्ड्स के ऊपर जो चार ऑप्शंस हैं उनके मतलब दे रखे हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेंटेंस, और फिर हमें उन वर्ड्स को जो सेकेंड ब्लॉक है इसके अंदर यूज करना है। फर्स्ट है, द टीचर टोल्ड मी ऑफ फॉर हैंडिंग इन माई होमवर्क लेट, तो यहाँ पे टेलिंग ऑफ का मतलब हम ये समझ सकते हैं, टोल्ड मी ऑफ का मतलब ये होगा कि भाई मैंने किसी को डांट दिया है, अगर मतलब जो टीचर है उसको मैंने होमवर्क लेट सबमिट करवाया तो टीचर ने मुझे डांट दिया, ठीक है। अब इस चीज को हम किससे, यहाँ पे ए बी सी डी में से किस पे हम इसे सही बता सकते हैं, द चिल्ड्रन हैव अ सीक्रेट डैश एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, तो यहाँ पे कोई सीक्रेट डांट तो पड़ने नहीं वाली है, राइट, आई वाज कॉट इन अ सडन डैश एंड गॉट सोक थ्रू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कोई मुझे डांटेगा तो मैं पूरी सोक थोड़ी ना हो जाऊंगी, मेरे कपड़े गीले थोड़ी हो जाएंगे। द फादर गेव मी अ गुड डैश फॉर नॉकिंग डाउन हिज प्राइज रोजेज, मतलब मेरे जो डैड है उनके रोजेज जो है उन्होंने उनको मैंने बर्बाद कर दिया इसलिए अब मेरे डैड मुझे डांट रहे हैं, तो यहाँ पे टेलिंग ऑफ जो है उसका इस्तेमाल सी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट तरीके से हुआ है। आप नीचे ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 1-1A, तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, बी है सेकेंड 1C, ठीक है, तो सेकेंड 1 and C ये बिल्कुल करेक्ट है। सो बाकी के हम ऑप्शन देखते हैं, सी में भी सेकेंड 1 और C लिखा हुआ है तो ये भी हमारा सही ऑप्शन हो सकता है, डी यहाँ पे सेकेंड 1C नहीं है इसलिए डी भी नहीं होगा, सो बी एंड सी के अंदर हमें चूज करना है। अब
सेकंड देखते हैं, माई माइंड फ्लैश्ड बैक टू द टाइम व्हेन आई वाज लिविंग इन स्टॉकहोम। तो यहाँ पे फ्लैश्ड जो है वर्ड, यहाँ पे फ्लैशबैक से रिलेटेड है, और यहाँ पे फ्लैश्ड का मतलब ये है कि पुराने टाइम में चले जाना या पास्ट में चले जाना, ठीक है। ए है द चिल्ड्रन हैव अ सीक्रेट फ्लैशबैक एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, ऑब्वियसली नहीं, पास्ट तो नहीं होगा वहाँ पे। आई वॉज कॉट इन अ सडन फ्लैशबैक एंड गॉट सोक्ड थ्रू, फ्लैशबैक से आप गीले नहीं हो जाते। देर आर नंबर ऑफ फ्लैशबैक्स इन द फिल्म टू द टाइम बिफोर द रॉबरी, यानी कि रॉबरी से पहले का जो टाइम था, जो पास्ट था रॉबरी से पहले जो हुआ था, वो सारी चीज़ें उस फिल्म में बताई गई हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फ्लैशबैक्स वर्ड है वो सेकेंड वाले में आया है और उसका डी है ऑप्शन सही। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बी ऑप्शन के अंदर फर्स्ट सेकेंड डी, ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन में भी यही है, फर्स्ट सेकेंड डी। अगेन नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, तो नेक्स्ट में द एस्केप प्रिजनर्स क्रेप्ट इनटू एन ओल्ड बार्न एंड हिड आउट अंटिल इट गॉट डार्क। हिड आउट मतलब वो लोग छुप गए, तो छुपने की जगह जो है उसी को हम कहते हैं हाइड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखते हैं, चिल्ड्रन हैव अ सीक्रेट एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, तो सीक्रेट क्या हो सकता है, छुपने की जगह हो सकती है, राइट। सो हाइड आउट के लिए ए ऑप्शन होगा और इसके साथ में थर्ड सेंटेंस जाएगा। सो यहाँ पे है हमारा थर्ड सेंटेंस ए एंड थ्री, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि बी ऑप्शन में यही चीज लिखी गई है। सी ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं लिखा है, सो सी भी गलत हो जाएगा। बाकी फोर्थ जो है उसको आप मैच कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे भी हमें मिक्स एंड मैच करना है, देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द पुलिस वर वेटिंग फॉर द थीव, समवन मस्ट हैव टिप्ड देम ऑफ, यानी कि किसी ने तो उनको ये बता दिया होगा कि ऐसा होने वाला है, जो थीव्स हैं वो शायद वहां पर आएंगे। तो यहाँ पे किसी को टिप देना या हिंट देना या एडवाइस देना या बताना किसी को कोई चीज, वो ही टिप ऑफ कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए है हैरी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट टिप ऑफ, ऑब्वियसली एडवाइस टिप स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकती। The engine fault was the latest of several tip-offs. नहीं, several faults हो सकती हैं. We received several tip-offs that there would be an attempted breakout at the prison. यानी कि prison से चोर भागने वाले हैं, इसकी हमें tip-off पहले से ही मिल गई थी, किसी ने हमें पहले से ये बता दिया था। So यहाँ पे options में first two और C ये साथ में हैं. Options देखते हैं. A option में लिखा है first two and C. So A option हो सकता है. B में लिखा है first fourth एंड ए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड सी, अगेन ए और सी में से कुछ भी आंसर हो सकता है। डी देखते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड डी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो ए एंड सी के बीच में हमारा अब कॉम्पिटिशन है। सेकेंड देखते हैं, एज आई पास्ड बाय हर हाउस आई कुड सी पीपल डांसिंग इन द फ्रंट रूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पास्ड बाय हर हाउस जो है वो रिलेटेड किससे है, वो रिलेटेड है यहाँ पे पासर बाय से, यानी कि जो किसी जगह से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है ये हमें देखना है। सो ए देखते हैं, पासर बाय के लिए हैरी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट पासर बाय, तो पासर बाय स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली। बी है द इंजन फॉल्ट वाज द लेटेस्ट ऑफ सेवरल पासर बाय, नहीं, द मैन वाज लीनिंग आउट ऑफ द विंडो शाउटिंग एट पासर्स बाय इन द स्ट्रीट बिलो, यानी कि जो आदमी है वो खिड़की के बाहर से चिल्ला रहा था, जो आसपास से गुजर रहे थे उनके ऊपर चिल्ला रहा था। सो टू थर्ड एंड डी होना चाहिए। सो टू थर्ड एंड डी यहाँ पर है, टू फर्स्ट एंड डी है यहाँ पे। सो अगेन यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सबसे पहले सही हो जाएगा, हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा काफी टाइम बच सकता है, क्योंकि दो ऑप्शन हमने करे हैं और उसके अंदर ही हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 टू 12 जो है उसके अंदर ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं हमें, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो हमें ऑड वन आउट जो है उसे चूज करना है। ए देखते हैं, सच जोक्स डू नॉट गिव मी एनी अम्यूजमेंट। अब यहाँ पे ये जो अम्यूजमेंट वर्ड है ना, उसको इन्होंने चेंज किया है, सच जोक्स डू नॉट अम्यूज मी, ठीक है। पहले ये अम्यूजमेंट जो है वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये मुझे अम्यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब ये अम्यूज जो है वो एक वर्ब बन गया है, ठीक है। दिस वॉज अ नाउन, नाउ ये जो अम्यूजमेंट वर्ड है वो एक वर्ब बन गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ही पुट अप अ ब्रेव फाइट, ठीक है। यहाँ पे फाइट जो है, यहाँ पे ये एक नाउन थी, ठीक है, हम किसी से लड़ रहे थे, वो एक नाउन था यहाँ पे।
ही फॉट ब्रेवली यानी कि उसने लड़ाई करी, सो दैट इज अ वर्ब. ठीक है, जब हम किसी फाइट के बारे में बात करते हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था दैट वॉज अ ग्रेट फाइट, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मतलब वो एक फाइट थी, वो एक नाउन के लिए वर्ड इस्तेमाल किया है हमने फाइट. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आई फॉट विद हिम या आई फॉट विद हर, तो मैंने उससे लड़ाई करी, मतलब वो एक वर्ब हो जाएगा. तो ए और बी तो बिल्कुल सिमिलर है. सी देखते हैं, हर फेलियर डिसअपॉइंटेड हर. तो यहाँ पे जो फेलियर वर्ड है तो ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और फेल्ड मतलब उसने फेल किया, सो अगेन ये एक वर्ब बन चुका है. डी के अंदर देखते हैं हम, द बॉय गेव अ प्रॉम्प्ट आंसर, द बॉय आंसर्ड प्रॉम्प्टली. यहाँ पर भी चेंज तो हो रहा है ये वर्ड, लेकिन ये नाउन से वर्ब नहीं बन रहा है. यहाँ पे प्रॉम्प्ट आंसर मतलब आंसर यहाँ पे नाउन था, और नाउन का जो जवाब था वो काफी प्रॉम्प्ट था, इसलिए ये हमारा एडजेक्टिव था. ठीक है, तो एडजेक्टिव कन्वर्ट हुआ है एडवर्ब के अंदर, क्योंकि उसने आंसर किया किस तरह से, प्रॉम्प्टली आंसर किया. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ऑड वन आउट जैसा लग रहा है. क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखते हैं, ए सेंटेंस में लिखा है गेटिंग अप ही वॉक्ड अवे. इसी को इन्होंने अलग तरीके से लिखा है, ही गॉट अप एंड वॉक्ड अवे, यानी कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस में इसे कन्वर्ट कर दिया है और इसे ऐड किया है विद द हेल्प ऑफ अ कंजंक्शन. तो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है एक कंजंक्शन का. बाकी सेंटेंसेस में देखते हैं कि ऐसा ही है. बी है फॉर्चुनेटली नथिंग हैज हैपेंड, फिर लिखा हुआ है इट वॉज फॉर्चुनेट दैट नथिंग हैज हैपेंड. तो दैट जो है वो एक प्रेपोजिशन है, वो कंजंक्शन नहीं है. तो हमें ये देखना होगा कि अब ए या फिर बी में से ऑड वन आउट कौन सा है. सी है यू मस्ट टेक रेस्ट टू गेट वेल, यू मस्ट टेक सम रेस्ट अदरवाइज यू कांट गेट वेल. अगेन यहाँ पे भी कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ऑड वन आउट बी है, क्योंकि उसमें कंजंक्शन नहीं प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हुआ है. ही मेड अ प्रोमिस ही केप्ट इट, ही नॉट ओनली मेड अ प्रोमिस बट ऑल्सो केप्ट इट. अगेन यहाँ पे भी बट जो है दैट इज अ कंजंक्शन, सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा. 12th है मदर सेट टू गीता वेयर आर यू गोइंग, मदर आस्क्ड गीता वेयर शी वाज गोइंग. तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा दैट इज डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्टली कोई कुछ बोल रहा है, हम उसे वैसा का वैसा इंटरप्रेट कर रहे हैं. वहीं पे जो सेकंड सेंटेंस है दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखते हैं बाकी सेंटेंसेस में क्या ऐसा ही है. बी में राधिका सेट कैन यू टेल मी हाउ टू रीच देयर, यस सेड राम. और इसी को फिर हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, राधिका आस्क्ड इफ ही कुड टेल हर हाउ टू रीच देयर, राम रिप्लाइड दैट ही कुड. सी देखते हैं, ऑल कुड हियर द मेनफुल वेल्स ऑफ हिज वाइफ, द मोनफुल वेल्स ऑफ हिज वाइफ कुड बी हर्ड बाय ऑल. तो ये जो है एक तरह से यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस की बात हो रही है. पहले हमने जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल जगह पे थे जहाँ पे वो होते हैं, शुरुआत में सब्जेक्ट आया था बाद में ऑब्जेक्ट आया था. जो सेकेंड ऑप्शन है उसके अंदर पैसिव वॉइस आ गई है, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन चुका है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यही ऑड वन आउट है. यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बल्कि एक्टिव पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पे लास्ट वाला जो है उसमें भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल है, सो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों में ही हमें ये देखना है कि ग्रामर कौन से सेंटेंस में गलत है. ए है सीता इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइज देन रीता. अब यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वाइज देन रीता. वाइज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम नॉर्मली कह रहे होते हैं, जैसे कि रीता इज वाइज. ठीक है, अगर हम ऐसा कहेंगे तब बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सीता और रीता के बीच में, तो यहाँ पर आना चाहिए वाइजर, क्योंकि ये इससे ज्यादा वाइज है. राइट, सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसी की ग्रामर सबसे गलत है. बी है द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स. ये बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप गलत नहीं समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से ये कोट है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भले ही दुनिया का सबसे वाइजेस्ट इंसान ही क्यों ना हो, उसने भी कभी ना कभी तो गलतियां करी ही होंगी. I doubt if Ravi will come. ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी. The flowers smelt sweet, यानी कि जो फ्लावर्स हैं मुझे पास्ट में मतलब पहले कभी ऐसा हुआ होगा मैंने फ्लावर्स स्मेल किए होंगे और वो मुझे अच्छे स्मेल कर रहे होंगे. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिप्लाई. ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये. ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. ईच बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन रिवॉर्ड्स. इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हम ईच और एवरी को अलग अलग करके लिखेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. आई कैन रन एज फास्ट इफ नॉट फास्टर देन यू. यानी कि मैं तुम्हारी ही तरह तुम्हारे ही स्पीड से दौड़ सकता हूँ भले ही मैं तुमसे फास्ट ना दौड़ सकूँ. तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि एज फास्ट नहीं लिख सकते हम. यहाँ पे लिख सकते हैं एज फास्ट एज, क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सीमा इज एज ब्यूटिफुल एज रीमा. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन इस तरह का कर रहे हैं ना कि वो बिल्कुल सिमिलर है किसी से, तो एज दो बार आना चाहिए. एज ब्यूटिफुल एज, एज फास्ट एज इंटेलिजेंट एज, इसी तरह से इस्तेमाल होता है. तो यहाँ पे एज नहीं लगा हुआ है इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि इसी की ग्रामर गलत है. आई कैन रिप्रोड्यूस दिस लेसन वर्ड फॉर वर्ड. इसमें भी कोई गलती नहीं है क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड जो है इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्टली जो लिखा गया था इस लेसन में वैसा का वैसा मैं लिख के दे सकता हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड का इस्तेमाल करेक्ट है. सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा. 15 टू 17 के अंदर हमें idiom या फ्रेज का मतलब बताना है. 15th है पेल मेल. ठीक है, तो पेल मेल जनरली हम वहां बोलते हैं जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि हड़बड़ी के अंदर हमने कुछ काम किया है या जल्दबाजी में हमने कोई काम किया है. ठीक है, तो वही पेल मेल इस्तेमाल उसी चीज के लिए होता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में ए ऑप्शन ही सही हो सकता है. इन हरीड डिसऑर्डर. ठीक है, हड़बड़ी में हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया. ठीक है, सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा. 16th है टू हैव वंस हार्ट इन वंस बूट्स. यानी कि एक तरह से ये होता है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो उसके लिए ये idiom इस्तेमाल की गई है कि जब कोई बहुत दुखी हो जाता है तो यू हैव योर हार्ट इन योर बूट्स. ठीक है, तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. टू बी डीपली डिप्रेस्ड. ठीक है, हम डरे हुए नहीं है, हम गुस्सा नहीं है, हम डिप्रेस्ड हैं, इसीलिए ये idiom इस्तेमाल होगा. टू गिव वंस ईयर्स. ठीक है, अब यहाँ पे गिव और लेंड के बीच में बहुत डिफरेंस है. ठीक है, अगर मैं ये कहूंगी कि आई लेंड माई ईयर्स तो मैं सुनना चाह रही हूँ तुम्हारी बात को, मैं तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुनूंगी. लेकिन अगर मैं ये कहूंगी टू गिव वंस ईयर्स मतलब कि मैं तुम्हें अपने कान एक्चुअली में दे रही हूँ, मतलब अगर मैं अपने कान दे सकती हूँ तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए कोई भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ. सो यहाँ पे इसका मतलब भी यही है इस idiom का कि आप किसी के लिए कोई भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है, तभी आप कहेंगे टू गिव वंस ईयर्स. सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा. तो यहाँ पे हमें ये जो छह सेंटेंसेस दे रखे हैं इन्हें रीअरेंज करना है इस तरह से जिनसे इसका एक प्रॉपर मीनिंग बने, और फिर नीचे जो तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें आंसर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे के लिखा है. द सब्जुगेशन और एनस्लेवमेंट ऑफ पीपल एंड कंट्रीज इज बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट. यानी कि अब ये चीज जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है. एल में लिखा है सिंस देन प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन अदर ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैज रिजल्टेड इन बेटरमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ लाइफ इन मेनी कंट्रीज. यहाँ पे सिंस देन लिखा हुआ है, मतलब इससे पहले कुछ तो हुआ होगा, तभी हम कह रहे हैं सिंस देन, तब से ये चीज होने लगी. फिर है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी वाज हिस्ट्रीज ग्रेट लीप फॉरवर्ड. अब यहाँ पे मुझे लगता है कि एक चीज तो हमें समझ आ गई है, कनेक्शन जो है पहले एम आना चाहिए और उसके बाद में एल आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर काफी हम प्रोग्रेस करने लगे, ऐसा हो सकता है. एन है ऑल दिस इज ऑन क्रेडिट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. सोसाइटी हैज बीन प्रोग्रेसिंग एंड इम्प्रूविंग फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. अब यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल सा सेंटेंस दे रखा है पूरी सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी बदलती रहती है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं. तो मुझे लगता है ये एक जो है एक तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, उसके बाद हम सोसाइटी के चेंजेस की बातें कर रहे हैं. ठीक है, द स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज बिकम इनलार्ज्ड. द कंडीशन ऑफ लेबर क्लासेस हैज इम्प्रूव्ड. मतलब सब चीजें अब अच्छी हो रही हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा ओ हो जाता है, उसके बाद में क्या आएगा, यानी कि सबसे पहले हमने कहा सोसाइटी हैज बीन प्रोग्रेसिंग एंड इम्प्रूविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. उसके बाद शायद ये हो सकता है कि द सब्जुगेशन और एनस्लेवमेंट ऑफ पीपल एंड कंट्रीज इज बिकमिंग अ थिंग ऑफ द पास्ट. यानी कि सोसाइटी क्योंकि चेंज हो रही है तो पहले जो एनस्लेवमेंट हुआ करता था अब वो काफी कम हो गया है. ठीक है, तो के एल एम हो गया है, एन बचा है और पी बचा है. तो एन कहता है ऑल दिस इज ऑन क्रेडिट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन.
तो मुझे लगता है कि ये थिंग ऑफ द पास्ट जो है स्लेवरी, वो इसलिए बना है क्योंकि अब हम मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर आ गए हैं। तो के बाद में एन आना चाहिए और फिर आई थिंक लास्ट जो है वो हमारा पी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच सेंटेंस शुड कम फिफ्थ इन द पैराग्राफ। तो फिफ्थ हमारा आया है एल, सो उस हिसाब से डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच सेंटेंस शुड कम फर्स्ट इन द पैराग्राफ, सो दैट इज ओ, सो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 20th है, विच सेंटेंस शुड कम थर्ड इन द पैराग्राफ, तो यहाँ पे थर्ड एन है, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ जो अगले चार क्वेश्चंस हैं उनमें हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली लिखा गया है, ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है। ए है, चार्ल्स इज अ गिफ्टेड फुटबॉलर बट अप टू नाउ ही डिडंट प्ले वेल इन इंटरनेशनल मैचेस। तो हमें यहाँ पे जो अप टू नाउ का इस्तेमाल है वो बिल्कुल गलत किया है हमने। हमें सिंपली ये कहना था बट ही डिडंट प्ले वेल इन द इंटरनेशनल मैचेस, मतलब कि अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि वो गिफ्टेड फुटबॉलर है लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, अप टू नाउ का मतलब ये हो जाता कि वो शुरू से जब से खेल रहा है फुटबॉल तब से वो कुछ अच्छा नहीं कर पाया है या फिर जीत नहीं पाया है। सो इसके लिए हम यहाँ कह सकते हैं ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है, वी बीन स्टेइंग विद पॉल एंड जेनी अंटिल लास्ट वीकेंड, ये बात गलत होगी। अंटिल लास्ट वीकेंड नहीं कह सकते हम, अंटिल का मतलब तो ये हो जाएगा कि हम जब से पैदा हुए हैं तब से वहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो तब तक वहीं रह रहे हैं ऐसा नहीं कहना है, हमें ये कहना है कि वी बीन स्टेइंग विद पॉल एंड जेनी सिंस लास्ट वीकेंड, मतलब अभी तक हम वहीं पे रह रहे हैं, जब से हम गए थे तब से लेके अभी तक हम वहीं रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंस आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए बी भी गलत होगा। ही जस्ट हर्ड द न्यूज एंड वॉज रशिंग होम टू टेल हिज फैमिली, इसको भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ गलती नहीं है, बट है प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने लिखा है ही जस्ट हर्ड द न्यूज, उसने वो न्यूज सुनी थी, पास्ट की बात हो रही है और फिर रशिंग होम आ रहा है, और रशिंग जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो दोनों जो वर्ब्स हैं उनकी हमें टेंस को सिमिलर रखना होता है। तो अगर मैंने न्यूज पहले सुनी थी तो मैं पहले ही रश करूंगी ना होम को, तो यहाँ पे रश्ड आना चाहिए, रश्ड होम टू टेल हिज फैमिली। When I grow up, I'm going to be an astronaut. ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि डी ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू एवर बीन टू द ओपरा वेन यू लिव्ड इन मिलान। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो हैव यू एवर बीन पूछा जा रहा है ना, ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई चीज प्रेजेंट के लिए पूछी जा रही हो कि हैव यू एवर बीन टू लंडन, ऐसा कुछ है ना, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तुम मिलान में रहते थे तब क्या तुमने ये देखा था, तो उसके लिए यहाँ पे आना चाहिए डिड यू एवर गो टू द ओपरा व्हेन यू लिव्ड इन मिलान, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। द मैन हु ब्रोक द विंडो वॉन्ट्स टू सी यू, ये जो बात है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। आई वोंट बी एबल टू मीट यू नेक्स्ट वीक, आई विल स्टे इन लंडन फॉर अ फ्यू डेज, मतलब मैं लंडन कुछ दिनों के रहूंगा और इसलिए मैं तुम्हें अगले वीक तक नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए रहूंगा इसलिए अगले वीक तक नहीं मिल सकता। सो यहाँ पे टिल नेक्स्ट वीक आना चाहिए था या अंटिल नेक्स्ट वीक आना चाहिए था, सो ये भी गलत हो जाएगा। माय मदर हु इज इन हर 70s एंजॉयज हिल वॉकिंग, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये सेंटेंस करेक्ट है लेकिन यहीं पे आप गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ ये होना चाहिए कि माय मदर हु इज इन हर 70s जो है ये नहीं आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए कि माय मदर इन हर 70s enjoys hill walking, मतलब कि मेरी माँ जो है वो 70s में होने के बावजूद भी hill walking को enjoy करती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी चीज़ को enjoy करती हूँ तब मैं ये लिखूँगी कि I enjoy doing this या my mother enjoys doing this, लेकिन ये जो इंसान है ये कहना चाह रहा है कि मेरी मदर जो कि अपनी 70s में है, मतलब कि 70s में होने के बावजूद भी वो हिल वॉकिंग एंजॉय करती हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि माय मदर हु इन हर 70s इवन दो इन हर 70s एंजॉयज हिल वॉकिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि सिर्फ बी ही ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एप्लीकेशंस हैव रिजन दिस ईयर बाय एज मच एज 50%। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, हम यही कह रहे हैं कि भाई 50% तक एप्लीकेशंस राइज हुई हैं इस साल, तो कोई भी यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। बी है, देयर आर अ नंबर ऑफ रीजंस आई डोंट लाइक हिम बट हिज मीननेस इज द मेन, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम ये कहेंगे इसे कि बट द मेन रीजन इज हिज मीननेस, हम ये नहीं कहेंगे कि मीननेस इज द मेन। ठीक है, सो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
सी है आई फेल्ट कॉन्फिडेंट टू पास माई ड्राइविंग टेस्ट. यहाँ पे टू पास नहीं हो सकता, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आई फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट आई वुड पास माई ड्राइविंग टेस्ट. तो यहाँ टू का इस्तेमाल गलत है. I haven't got enough cash on me for paying the bill. Again, अब हमने जब शुरुआत में कह दिया है I haven't got enough cash, जब मैंने इतना कह दिया है तो मैं on me क्यों लिख रही हूँ? जब सबको पता चल चुका है कि हाँ भाई मेरे पास enough cash नहीं है, तो मैं वापस ये क्यों बोलूँगी कि I don't have enough cash on me for paying the bill? ठीक है, तो हम यहाँ पे exaggerate नहीं करते. हो सकता है आप conversations में ऐसा बोलते हो, लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में हम दो बातों को, मतलब एक ही बात को दो बार रिपीट नहीं करते हैं. जब मैंने कह दिया आई हैवंट गॉट इनफ कैश फॉर पेइंग द बिल, तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा. बट अगर मैं इसे वापस से रिपीट करके बोलूंगी आई डोंट हैव इनफ कैश ऑन मी फॉर पेइंग द बिल, वो बिल्कुल गलत माना जाएगा. सो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं. ऑल्दो दे प्लेड वेल बट दे नेवर लुक्ड लाइक विनिंग. ये बात जो है ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि ऑल्दो दे प्लेड वेल बट दे नेवर सीम्ड टू बी विनिंग, यानी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीत रहे हैं. वो दिखाई नहीं देता है विनिंग, वो जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले हैं, ये हम ये देख नहीं सकते हैं. बट हमें इतना पता है कि दे डिड नॉट सीम टू बी विनिंग, हमें लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे. ठीक है. डिस्पाइट द स्नो वॉज स्टिल फॉलिंग हेविली शी वेंट आउट, ये भी गलत है. हमें ऐसे बोलना होगा कि डिस्पाइट द स्नो फॉलिंग हेविली शी वेंट आउट. ठीक है. द स्नो वॉज स्टिल फॉलिंग हेविली, ये अगर एक सेपरेट सेंटेंस होता तो हम इसे मान लेते. ठीक है. जब हमने डिस्पाइट का इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पे स्टिल का वापस से इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि डिस्पाइट और स्टिल का ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है, सेम फंक्शन होता है दोनों वर्ड्स का. इफ शुमाकर वर टू विन टुडे ही वुड बिकम वर्ल्ड चैंपियन. यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, हम सिंपली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज शुमाकर जीत जाते हैं तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे. शी गॉट लो ग्रेड्स फॉर हर एग्जाम्स देयरफॉर शी हैड टू रीटेक देम टू गेट इनटू कॉलेज. ठीक है. तो यहाँ पे शी गॉट लो ग्रेड्स फॉर हर एग्जाम्स नहीं होगा, इन हर एग्जाम्स हो सकता है. सो ये चीज जो है ये गलत हो जाएगी हमारी. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज सी स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है. अब यहाँ पे हमें एक तरह से एक पैसेज दे रखा है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स मिसिंग है, तो हमें ये पता लगाना है कि वो वर्ड्स कौन से हैं. ऑप्शंस में से हमें चूज करना है. शुरुआत में बताया जा रहा है कि जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अब ये जो जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक तरह से एक कैजुअल वर्कर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रखता है एक एम्प्लॉयर के साथ. यानी कि नॉर्मली जो कैजुअल वर्कर्स हैं उन्हें क्या होता है कि कोई भी कहीं भी जाके वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से उसे बहुत कम बेनिफिट होगा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं है जो कि कोई ऑब्लिगेशन डाले ऑन द एम्प्लॉयर टू ऑफर वर्क. तो यहाँ पे 25th वर्ड हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे जो 25 हमारा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे प्रोविजंस कोई ऑब्लिगेशंस नहीं डालते एम्प्लॉयर के ऊपर, उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल हो सकता है. ऑप्शन ए देखते हैं, इम्पोज. तो प्रोविजंस डू नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन, ये वर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट है. इम्पोज का मतलब यही होता है कि किसी तरह की उन पे प्रेशर नहीं डाला जा रहा है. ठीक है. बी है कंपेल. कंपेल का मतलब आप खुद वो चीज करना चाह रहे हैं. ठीक है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सी है फोर्स. अब इम्पोज का मतलब तो फोर्स ही होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम फोर्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कि प्रोविजंस कभी फोर्स नहीं करते किसी को. ठीक है. इम्पोज किए जाते हैं प्रोविजंस आप पे, लॉज आप पे इम्पोज किए जाते हैं, आपके ऊपर फोर्स नहीं किए जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. डी है इम्प्रेस. ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोविजंस डू नॉट इम्प्रेस एनी ऑब्लिगेशन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा इसका यहाँ पे. सो 25th जो है उसका आंसर हमारा ए होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अभी जो प्रोविजंस है इस जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इनकी वजह से एम्प्लॉयर के ऊपर कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं डालेगा कि आपको काम देना ही पड़ेगा कैजुअल वर्कर को, और साथ ही साथ में जो वर्कर है कैजुअल वर्कर उसके ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे उसका काम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कोई खास फायदा नहीं हो रहा है कैजुअल वर्कर्स को. अ कैजुअल वर्क इज द करेक्ट टर्म टू डिफाइन वर्कर्स हु डू नॉट हैव डैश आवर्स ऑफ वर्क. मतलब कौन से आवर्स ऑफ वर्क? ऑप्शन ए
fixed hours of work, secure hours of work, firm hours of work और stable hours of work. अब यहाँ पे आप देखेंगे secure और stable जो है वो jobs के लिए इस्तेमाल किया जाता है, hours के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होता. secure hours क्या होते हैं? कुछ नहीं होता. ठीक है, stable hours क्या होते हैं? नहीं होता. ठीक है, सो यहाँ पे हम सिंपली अगर कहते हैं कि स्टेबल जॉब नहीं है उनके पास तो वो सेंटेंस करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे हमें आवर्स के लिए बताना है. सो दे डू नॉट हैव फिक्स्ड आवर्स. फर्म तो मतलब कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट है या कोई बहुत रफ है ना, तो वो भी नहीं आ सकता यहाँ पे. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो वर्कर्स होते हैं इनके कोई फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क डिसाइडेड नहीं होते, बट इंस्टेड दे सप्लाई सर्विसेज ऑन एन इररेगुलर बेसिस. ठीक है, जब भी किसी एम्प्लॉयर को काम चाहिए तो वो उनको सर्विस दे देते हैं. तो अ वर्कर इज नॉट एन एम्प्लॉई. ये जो कैजुअल वर्कर है इसे एम्प्लॉई नहीं कहा जा सकता. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है उनको लॉ के अंडर बेटर प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि कैजुअल वर्कर्स को लॉ के अंडर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता. तो कंटिन्यूशन में हम देखते हैं आगे क्या लिखा है. ऑल द वर्कर्स हैव बेसिक राइट्स. इनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू अ नेशनल मिनिमम वॉट. ऑप्शंस में देखते हैं, सैलरी हो सकता है, अर्निंग भी हो सकता है, वेज भी हो सकता है. रेम्यूनरेशन की हम बात नहीं कर रहे. नेशनल मिनिमम आपको पता है कि एक राइट टू नेशनल मिनिमम वेज होता है. यहाँ पे वेज इसलिए आएगा, सैलरी और अर्निंग इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि वेज की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि हम पर डे वाले कमाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं. तो कैजुअल वर्कर्स ऑब्वियसली पर डे के काम के लिए कमाते हैं, जबकि सैलरी या अर्निंग्स जो है वो हमें महीने में मिलती है. जो मंथली होती है सैलरी वो अलग होती है, तो वो इन कैजुअल वर्कर्स को नहीं मिलती. यहाँ पे वेज सही होगा आंसर. राइट नॉट टू बी अनलॉफुली डिस्क्रिमिनेटेड, ये भी राइट उन्हें मिलता है, लेकिन कई सारे राइट्स हैं जो उन्हें नहीं मिलते, जैसे कि मैटर्निटी या पैटर्निटी पे. यानी कि अगर किसी के घर में बच्चा होने वाला है तो उनको उसके लिए जो वो लीव्स लेते हैं या उसके लिए जो छुट्टियाँ लेते हैं उसके लिए उन्हें कुछ पैसा नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऐसा कौन सा पे है जो तब दिया जाता है जब इनफ वर्क नहीं है कंपनी के पास, यानी कि ऐसा टाइम जब वहां पे रिडंडेंसी चल रही है, वो होता है रिडंडेंसी पे. यानी कि अब कैजुअल वर्कर्स को आपने बोल रखा है कि यार हम आपको काम दे देंगे, लेकिन अब आपके पास दो महीने तक कोई काम ही नहीं है कंपनी के पास, तो वो कैजुअल वर्कर्स क्या खाएंगे अगर आप उनको कुछ पे नहीं करेंगे. तो एक मिनिमम अमाउंट होता है जो आपको पे करना चाहिए उस टाइम पे जब कंपनी के पास कोई काम नहीं है उन्हें देने के लिए, ताकि वो अपना घर चला सके. इसके अलावा राइट नॉट टू बी अनफेयरली व्हाट. अनफेयरली क्या नहीं किया जाना चाहिए. ए है डिसमिस्ड, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उन्हें डिसमिस ही कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके एम्प्लॉई नहीं हैं. ठीक है, आप उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आप हॉस्पिटल नहीं चला रहे. सी है टर्मिनेटेड, टर्मिनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप किसी को टर्मिनेट करने का मतलब ये होता है कि आप उन्हें निकाल रहे हैं कंपनी से. किसी को ले ऑफ करने का मतलब भी ये होता है कि आप उन्हें कंपनी से निकाल रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कैजुअल वर्कर्स कंपनी का हिस्सा है ही नहीं, ये एम्प्लॉयज है ही नहीं. तो लेकिन हम इन्हें डिसमिस तो कर सकते हैं, राइट. तो हमें इन्हें डिसमिस नहीं करना है, एटलीस्ट अनफेयरली डिसमिस नहीं करना, यानी कि अपने काम से निकालना नहीं है. ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनपॉपुलर विद ट्रेड यूनियंस हु आर्ग्यू दैट एम्प्लॉयज आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो वर्कर्स को है बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उन्हें मिल जाते अगर वो जो जनरली जो करंट एम्प्लॉयमेंट के जो लॉज बने हुए हैं उसके अंडर जो उन्हें राइट्स मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे बिकॉज ऑफ द जीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि उसके अंदर एम्प्लॉयर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उनको ये सारे बेनिफिट्स देगा या ये सारा काम से देना पड़ेगा. सो करंट एम्प्लॉयमेंट के बाद में लॉज आना चाहिए. लॉज के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं लेजिस्लेशंस. सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा. स्टैट्यूज ऑब्वियसली नहीं हो सकता, कोड्स भी नहीं होगा. एक्ट को हम नहीं ले सकते क्योंकि एक्ट जनरली उस चीज को बोलते हैं हम कि जो अभी अभी पास हुआ है जनरली, है ना. लेजिस्लेशन यानी कि वो लॉ बन चुका है अच्छे से, वो आ चुका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जा चुका है, सबको पता है ये लॉ है. सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. इसके बाद हम देखते हैं जून 2016 में जो यूरोपा बिजनेस सेक्रेटरी है जोरो, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे वर नॉट डिक्लेयर्ड व्हाट. क्या डिक्लेयर नहीं किया गया इनको, अनलॉफुल, इलीगल, इलेजिटिमेट या फेलोनियस. अब यहाँ पे अनलॉफुल करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अब ये जो बिजनेस का सेक्रेटरी है वो ये प्रूव करना चाहेगा कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, क्योंकि जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट हमें तो सही लगता है क्योंकि इसे अभी तक अनलॉफुल प्रूव नहीं किया गया है. ठीक है, इलीगल नहीं हो सकता ये. ठीक है, क्योंकि
इलीगल बातें हम इलीगल की बात जब हम करते हैं तो वो ये होता है, स्पेसिफाइड होता है कि हाँ ये चीज लीगल ही नहीं है, और अनलॉफुल का मतलब कि कोई चीज लॉ के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। तो इलीगल में हमें पता होता है कि क्या चीज हम नहीं कर सकते, अनलॉफुल के अंदर हमें हम किसी लॉ के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, ठीक है। इलेजिटिमेट भी नहीं होगा, इलेजिटिमेट का मतलब ये कि कोई चीज जो हमारी नहीं है, हम उसे बना चुके हैं अपना लेकिन एक्चुअली में वो हमारी नहीं है। फेलोनियस भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहे कि वो गलतियां हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये कोई प्रूव नहीं कर पाया है, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनलॉफुल है, ऐसा कोई प्रूव नहीं कर पाया है। बट ही चेंज द लॉ, फिर भी उसने इस लॉ को चेंज किया ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो कैजुअल वर्कर्स को बैन ना कर सके, जिसकी वजह से कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो दूसरी जगह भी काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है, बट जो जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज है इट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन फूड एंड रिटेल ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है यहाँ पे फूड और रिटेल बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हैं। तो यहाँ पे फूड रिटेल क्या होना चाहिए, फूड रिटेल जोन होगा, फूड रिटेल रीजन होगा, फूड रिटेल सेक्टर या फिर एरिया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेक्टर होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, हम इस तरह से बात करते हैं। सो इसी तरह से यहाँ पे फूड एंड रिटेल सेक्टर होना चाहिए ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पे मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग है, इन सब ने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट यूज किया था फॉर 80% ऑफ देयर वर्कर्स। उसके अलावा हाई स्ट्रीट जायंट है, स्पोर्ट्स डायरेक्ट है, उसने भी कहा कि 90% जो उसके वर्कर्स हैं वो भी इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं। हाउएवर द लैटर वॉट, यहाँ पे क्या आना चाहिए, द लैटर सफर्ड या बोर या एंड्योर्ड या फेस्ड अ लीगल चैलेंज इन नवंबर 2016। तो क्या इन्होंने इस तरह का चैलेंज फेस किया है? जनरली हम चैलेंजेस के लिए कहते हैं कि यू हैव टू फेस चैलेंजेस, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फेस्ड ही आना चाहिए। द लैटर फेस्ड अ लीगल चैलेंज इन दिस ईयर, जब टेरा फेरा जो है उन्होंने एक क्लेम फाइल किया इस कंपनी के अगेंस्ट, लैटर मतलब कि ये जो स्पोर्ट्स डायरेक्ट कंपनी है तो उसके अगेंस्ट एक लीगल चैलेंज भी आ चुका है, ये फेस कर चुका है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि टेरा फेरा जो है उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था एज अ कैजुअल वर्कर फॉर स्पोर्ट्स डायरेक्ट, और वहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की होती है, बट जो हर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स मिलते हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे थे। जबकि आप जानते जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो एक कैजुअल वर्कर है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आप एक एम्प्लॉय की तरह काम करें उसी कंपनी में, आप किसी और कंपनी में भी जाके काम कर सकते हैं, लेकिन ये बेनिफिट्स इस इंसान को नहीं मिल रहे थे, टेरा फेरा को नहीं मिल रहे थे। सो शी फाइल्ड अ कंप्लेंट, इन्होंने एक लीगल प्रोसीजर करवाया इस कंपनी के अगेंस्ट। उसके बाद अ डैश वॉज रीच्ड, तो क्या ऑब्वियसली इन्होंने कोई सेटलमेंट किया होगा अपने एक दूसरे के बीच में, अग्रीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अग्रीमेंट तो साइन नहीं हो रहा है, सेटलमेंट कर रहे हैं ये, यानी कि ऐसा कुछ जिससे कि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो सहमत हो, ठीक है। तो अ सेटलमेंट वॉज रीच्ड अकॉर्डिंग टू विच स्पोर्ट्स डायरेक्ट इज नाउ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर फ्यूचर जीरो आर स्टाफ, यानी कि जब वो एडवर्टाइज कर रहा है अपने स्टाफ के लिए तो वो ये साफ साफ कहे कि ये जो रोल है या ये जो आपको जॉब मिलेगी दैट डज नॉट डैश वर्क प्रोवाइड एंटाइटल गारंटी और ऑफर। तो यहाँ पे गारंटी होना चाहिए ऑब्वियसली, दैट ये जो आपको जॉब मिलेगी दैट डज नॉट गारंटी वर्क, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर हमेशा काम मिलेगा, प्रोवाइड तो करेगा ये आपको काम, इंटाइटल भी हो गया आप काम के लिए, आपको ऑफर भी किया जाएगा काम, लेकिन आपको गारंटी नहीं दी जाएगी कि आपको हमेशा काम मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी जो है उसको साफ साफ क्लियर रिटर्न पॉलिसीज सेट आउट करनी पड़ेगी फॉर सिक पे, पेड हॉलीडे, और ये जो जीरो आवर स्टाफ के जो दूसरे बेनिफिट्स हैं इनके लिए भी इन्हें क्लियरली सारी बातें बतानी पड़ेंगी। वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ द सेशन, होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। जय हिंद।